काबुल एयरपोर्ट पर पिछले हफ्ते हुए आईएसआईएस के आत्मघाती धमाकों को लेकर अमेरिकी एजेंसी की चूक सामने आ रही है। पेंटागन की एक समाचार एजेंसी के मुताबिक नियमों में ढील के कारण काबुल हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमला हुआ था। एजेंसी ने दावा किया है कि पेंटागन से लीक हुए नोटों के आधार पर ये जानकारी सामने आई है। सोमवार को अमेरिकी समाचार वेबसाइट पॉलिटिको द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंटागन के टॉप कमांडरों ने गुरुवार दोपहर तक काबुल हवाई अड्डे पर एबी गेट को बंद करने की योजना को आगे बढ़ाया था। इस सुरक्षा की चूक का फायदा आत्मघाती हमला करने वाले आतंकी संगठन ने उठाया। पश्चिमी मीडिया में आज भी इस बात पर चर्चा जारी है कि काबुल हवाई अड्डे पर घातक आत्मघाती विस्फोट को टाला जा सकता था या नहीं। पॉलिटिको की खबर के मुताबिक ये बात साफ हो गई है कि अगर पेंटागन के शीर्ष कमांडरों ने गुरुवार दोपहर को अभय गेट को खुला रखने की बजाय बंद करने के निर्णय का सख्ती से पालन किया होता तो इस हादसे को टाला जा सकता था। अभय गेट को अधिक समय तक खुला रखने का निर्णय एक फील्ड कमांडर द्वारा लिए जाने की जानकारी है। पेंटागन से लीक हुए नोटों के आधार पर सोमवार को अमेरिकी समाचार वेबसाइट पॉलिटिको द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंटागन के टॉप कमांडरों ने गुरुवार दोपहर तक काबुल हवाई अड्डे पर एबी गेट को बंद करने की योजना को आगे बढ़ाया था। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सेना ने अपने ब्रिटिश सहयोगियों को अनुमति देने के लिए गेट को अधिक समय तक खुला रखने का फैसला लिया था, जो पास के बैरन होटल में स्थित अपने कर्मियों को निकालने के अभियान को तेज कर रहे थे। साथ ही काबुल एयरपोर्ट पर भारी संख्या में भीड़ होने के कारण यह हादसा होने की जानकारी है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही देश दुनिया के दूसरी तमाम खबरों के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।